अब देखेंगे क्रांति का जो दूसरा केंद्र था नीमच अब देखो होता क्या ये क्रांति का जो दूसरा केंद्र था नसीराबाद के बाद तो यहाँ पर भी क्या होती है क्रांति की ज्वालाएँ प्रज्वलित हो जाती है नसीराबाद नीमच जो नसीराबाद से नीमच कितना था 120 मील की दूरी पर था जब मेरठ के अंदर विद्रोह होती है 10 मई अठारह सौ सत्तावन की की सूचना इस सैनिक के जो छामनी के सैनिकों को भी प्राप्त होती है इसी कारण यहाँ पर क्या होती है बड़ी उत्तेजना फैल जाती है लेकिन क्या करते लेकिन जो यहाँ की बहतवरी इन्फैक्ट्री के जो ब्रिटिश अधिकारी होते उन्होंने किसी तरीके से इन बहतवरी बहतवरी जो नेटिव इन्फैक्ट्री के सैनिकों को समझा बुझा करके इनको क्या कर दिया जाता एक बार के लिए इनको शांत कर दिया जाता इस कारण यहाँ कुछ समय के लिए क्या होता विप्लव है जो यहाँ विद्रोह कहते हैं वो टल जाता है लेकिन जब नसीराबाद के अंदर जब विद्रोह की सूचना यहाँ पहुँचती है तब यहाँ का जो अधिकारी होता है कौन कर्नल एबोट है न वो क्या करता है वो बड़ा ही घबरा जाता है तो वो घबरा कर उसने भारतीय जो सैनिक अधिकारियों को एकत्रित करके उन्हें कुरान और गंगा जल पर हाथ रख कर के शपथ दिलाता है कि वो क्या करेंगे अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहेंगे क्या रहेंगे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे और खुद कर्नल एबोट ने भी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ दी कि वो अपने भारतीय सैनिक अधिकारियों पर क्या करेगा पूरा भरोसा रखेगा उन पर कभी वो अविश्वास नहीं करेगा ये दो जून से पहले की घटना है अब इसके बाद क्या होता है दो जून को दो जून को फिर जब इसको थोड़ा डर और ज़्यादा हो जाता है तब कर्नल एबोर्ट ने क्या किया सैनिकों को जो परेड का मैदान होता है उसमें इसको एकत्रित करता है और उसमें सैनिकों को ये कहता है कि उसके अधिकारियों ने भी वफादारी की क्या कर लिए शपथ ले लिए इस कारण वो भी क्या करें वफादारी की क्या करें शपथ लें तो इस तरीके से ये जब यहाँ चल रहा था और उनसे भी का कौन जो हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और जो कुरान की क्या की है? गंगा जल और जो कुरान है उसके ऊपर क्या किया शपथ लेने को यहाँ पर कहा था अब देखो स्थिति बड़ी विकट होती उनको शपथ दिलाई थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारेंगे पहले इनके अधिकारियों को दिलाई फिर दो जून को इनके सारे सैनिकों को यहाँ पर दिलाई और कर्नल अबोट ने एक बार फिर खुद ने भी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली कि जिसमें कि वो अपने अधीन सिपाहियों का पूर्ण क्रांति प्राप्त कर सके का पूर्ण क्रांति प्राप्त कर सके मतलब इनका पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सके इसलिए उसने भी क्या ली थी बाइबल पर हाथ रख कर के क्या ली थी शफथ यहाँ पर ली थी अब देखो उस दौरान एक घटना होती एक सैनिक होता उसमें से घुड़सवार सेना का एक सैनिक मोहम्मद अली ये नाम आप याद रखना मोहम्मद अली क्योंकि ये नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है मोहम्मद अली होता है मोहम्मद अली बेग पूरा नाम था इसका मोहम्मद अली बेग मोहम्मद अली बेग ने आगे करके आगे निकल करके यानी आगे आया जो सेना के बीच से इसने कर्नल एबोर्ड को चुनौती भरे शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि आप हमसे शपथ की बात कर रहे हो क्या अंग्रेजों ने कभी शपथ का पालन किया है क्या आपने क्या अवध का अपहरण नहीं किया तो अगर आप अपनी शपथ पर नहीं रह सकते आपने अपनी शपथ का कभी पालन नहीं किया तो भारतीय भी क्या है शपथ का पालन करने के लिए क्या है बाध्य नहीं है हालांकि कर्नल एबोर्ट ने किसी तरीके से इस मोहम्मद अली बेग को समझा बुझा कर क्या कर लिया था शांत कर दिया था उस समय तो लेकिन फिर क्या था तीन जून अठारह को जो नसीराबाद की क्रांति के समाचार यहाँ पर क्या होते हैं नीमच पहुँच जाते हैं और जैसे ही इन क्रांतिकारी सैनिकों के विप्लव की सूचना पहुंचती है तो 3 जून अठारह को रात्रि के ग्यारह बजे है ना रात्रि के ग्यारह बजे यहाँ पर वहाँ भी यानी नीमच के अंदर भी क्या होता है सेना क्या कर देती है विप्लव कर देती है और स्थल सेना ने समूची सेना को घेर लिया और उसको क्या करवा दिया समूची जो सैनिक सावनी को घेर करके उसको क्या कर दी आग लगा दी यानी यहाँ पर रात को सैनिक विद्रोह करके कुछ सैनिक तोफ खाने की ओर बढ़ते हैं और तोफ खाने पर अधिकार कर लेते हैं और फिर उनसे दो गोले दागते हैं तोहफों से इससे बाकी सारे जो सैनिक भी क्या होते हैं यानी जो सातवीं जो नेटिव इन्फेक्ट्री है वो क्या करती है अपनी कतार को भंग करके और विप्लवकारियों के साथ मिल करके इनके साथ में छावनी को घेर देती है और उसमें क्या लगा देती है आग लगा दी यहाँ तक कि ब्रिगेडियर मेजर के बंगले में भी क्या कर दी जाती है आग लगा दी यानी नसीराबाद के जैसा किया जाता है यहाँ पर भी विप्लवकारियों ने छावनी में आग लगा दी और वहाँ पर क्या करते हैं वो लूटपाट करने लग जाते हैं यानी वहाँ कुछ भी नहीं पीछे प्रत्येक मकान में आग लगा दी उसमें रहने वाले जो ब्रिटिश लोग थे वो डर करके वहाँ से अपने प्राण बचाने के लिए वहां से क्या आते भाग खड़े हुए ब्रिटिश अधिकारी उनके प्रेरणा सब कुछ वहाँ के बाद एक ब्रिटिश यहाँ अधिकारी था कप्तान मैकडोनाल्ड उसने हालांकि यहाँ के किले की रक्षा का प्रयास किया परन्तु तो वो भी क्या हुआ था असफल रहा था क्यों असफल रहा क्योंकि जो यहाँ के इसके साथ में जो सैनिक थे किले की सुरक्षा करने वाले उसने क्या किया था इनका साथ नहीं दिया था विद्रोहियों के साथ मिल गए थे इस तरीके से यहाँ विद्रोही ने यहाँ क्या कर ली थी लूटपा लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ध्यान रखना यूरोपीय अधिकारी और उनके परिवार थे उनको इन जो सुरक्षा के लिए जो सैनिक थे उन्होंने किसी प्रकार की क्या थी हानि नहीं पहुँचा और बंगलों पर तैनात सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर जो गोली चलाने का आदेश दिया तो इन्होंने इंक्वायर कर दिया और कुछ समय बाद वे क्या करके अपने साथियों से मिल गए ऐसा विश्वास किया जाता कि इसमें दो स्त्रियां तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगी और अनेक बच्चों को जो अग्नि की ज्वाला के अंदर क्या जो मैं यहाँ के इनके बंगले वगैरह उसमें क्या कर दी थी आग लगा दी थी तो उसमें एक अंग्रेज़ साजन था उसकी पत्नी थी और एक ऐसा बच्चा था उसको क्या किया उसकी टांगे पकड़ करके उन्होंने क्रांतिकारी ने इसके अंदर क्या कर दिया था फेंक दिया था बाकी अधिकतर के साथ में इन्होंने क्या किया था कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं किया था अब तो इस तरीके से यहाँ क्या खजाना वगैरह लूट पाट करके ये सैनिकों ने अब भी जाने के तैयार अब यहाँ से जानवे उस समय यहाँ के इन अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ में कुछ नहीं गया लेकिन बाद में यहाँ से जो अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे लगभग कितने थे चालीस की संख्या के अंदर थे वो यहाँ से क्या हुए अब भाग जाते हैं है ना तो क्रांतिकारी जो निरंतर उसका क्या करते हैं पीछा करते हैं अब देखो ये भाग के डर के मारे ये जो अंग्रेज अधिकारी एक डूंगला गांव होता नाम ये ध्यान रखना डूंगला गांव डूंगला गांव में पहुँचते और वहाँ का किसान होता एक नाम है उसका रुगाराम किसान रुगाराम क्या करता है इनको शरण प्रदान करता है और इनके लिए खाने पीने की क्या करता है व्यवस्था करता है अब देखो क्रांतिकारी सैनिक के पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाते और इनको क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं है ना इनको क्या कर लिया जाता है इनके द्वारा क्रांतिकारियों द्वारा इनको भागे हुए जो चालीस अंग्रेज अधिकारी परिवार स्त्री पुरुष बच्चे जो भी थे इनको घेर लिया जाता है अब यहाँ पर जब इनको घेर लिया जाता है और ये डूंगला गांव जब पहुंचते हैं विप्लवकारी तभी पीछे उदयपुर की सेना लेकर के उचित समय पर उनकी सहायता के लिए कौन आ जाता है कैप्टन सावर से यहाँ पर पहुंच जाता है जो बेदला का राव भक्त सिंह वगैरह उनको लेकर के यहाँ डूंगला गाँव पहुँच जाता है तो इसके कारण इसके पहुँचते ही जो क्या थे विद्रोही सैनिक थे वो यहाँ से भाग खड़े होते हैं और इस प्रकार इनकी रक्षा हो जाती है अगर ये नहीं आता तो इनका जीवन क्या हो जाता समाप्त हो जाता फिर क्या करता ये जो बेदला करा जो बख्त सिंह इनके लिए पालकिन इन घोड़े नहाती आदि की व्यवस्था करके अंग्रेज जो पुरुष औरतें और बच्चे थे उनको सुरक्षित तो उदयपुर पहुंच जाता जहां पिछड़ा झील के अंदर जो बने जग मंदिर के अंदर जो क्या जग मंदिर जो महल है उसके अंदर उनको क्या किया जाता है ठहराया जाता है तो इस तरीके से हम इसमें देखते अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और हो जाती है जब ये चालीस अधिकारी वगैरह भाग दो अधिकारी इनसे अलग हो गए थे उनके नाम डॉक्टर मरे और डॉक्टर ग्ञन जो इनसे बिछड़ गए तो जब बिछड़ करके ये भाग रहे थे और जब भूख प्यास व्याकुल और इसमें अब ताकत अधिक भागने की नहीं थी तब तो वो जो सादरी के पास में एक केसुदा गाँव पहुँचते हैं जहाँ केसुदा गाँव के लोग होते हैं तो पंडित यदुराम पटेल राम सिंह और पटेल केसरी सिंह तथा ओहंकार सिंह इनको शरण प्रदान करते और भोजन आदि की व्यवस्था करते अब देखो इनका पीछा करते हुए जो विद्रोही जो सैनिक होते हैं वो भी यहाँ पहुँच पहुँच जाते हैं और इनको जो ब्रिटिश शरणार्थियों को देने की मांग करते हैं लेकिन ऐसा करने से ये लोग क्या करते इनकार करते जब गोली चलाने की धमकी देते फिर भी गांव वाले क्या करते हैं इनको सौंपने से मना करते दे. देखो इस तरीके की बात अंग्रेज ऐसा कोई मौका आते है वो भारतीयों को सीधा गोली से बोलने से नहीं छोड़ते थे अब यहाँ के लोग ही क्या करते हैं इनको सौंपने से क्या कर दिया इनकार कर दिया इसी समय बेंगू का रावत और जो चादरी का हकीम होता है वो यहाँ पहुँच जाते हैं और बाद में यहाँ हालांकि थोड़ा संघर्ष होता है और इसके बाद में क्या किया जाता है यहाँ से फिर विद्रोही को क्या करना पड़ता है भागना पड़ता है तो इस प्रकार विद्रोही अपने उद्देश्य में क्या होते हैं सफल नहीं होते और उनको भी फिर क्या किया रात को ही अंधेरे में निकाल करके क्या किया जाता है उदयपुर ले लिया जाता है अब देखो क्या होता है पाँच जून को क्रांतिकारियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए क्या किया प्रस्थान किया और उन्होंने आगरा जेल में बंद अपने क्या किया सभी कैदियों को भी मार्ग में क्या कर लिया छुड़ा लिया और सरकारी खजाने में से एक लाख छब्बीस हज़ार नौ सौ रुपये लूट करके क्या किए अपने साथ ले गए परंतु आगरा का बाज़ार सुरक्षित रहा यानी आगरे के बाज़ार को इन्होंने नहीं लूटा था अब देखो ये क्रांति का जो घटना का हम दूसरा पाठ अब पढ़ेंगे तो अब देखो इसमें होता क्या है दूसरे पार्ट के अंदर उसको देखते हैं तो नीमच के जो क्रांतिकारी वो देवली भी पहुंचे अब देखो कुछ तो अब चले गए वहाँ दिल्ली की तरफ और कुछ क्रांतिकारी जो कहाँ पहुंचे देवली पहुंचे है ना अब देवली पहुंचने से पहले काफ़ी लंबा सफ़र था है ना तो इन्होंने यहाँ से ये जब लूट माट का माल और बैंड बजाते हुए जब जा रहे थे तो चित्तौड़ है हमीरगढ़ बनेड़ा आदि और वहाँ से जो भी सरकारी बंगले आते लूटते यहाँ पर जाते फिर शाहपुरा पहुँचते और शाहपुरा का जो राजा था शासक था उसने इनकी बहुत अच्छी मदद की थी दो दिन तक उन्हें अपने यहाँ रोका और उनके रसद आदि की व्यवस्था की और बाद में यहाँ से वो नीमा हेड़ा गए जहाँ भी नीमाहड़े के अंदर जनता ने भी इनकी बहुत अच्छी मदद की थी इसके बाद वो नीमा हेड़ा से फिर कहाँ पहुँच गए यहाँ देवली पहुँचे देवली जो सैनिक सावनी वहाँ पहुँचे और इस सैनिक सावनी को उन्होंने क्या कर दी आग लगा दी और यहाँ पर क्या की थी लूटपाट मचाई थी ऐसा विश्वास किया जाता कि देवली छावनी में कोई ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं होता क्योंकि इस छावनी को पहले ही खाली किया जा चुका था और वहां से जो ब्रिटिश अधिकारियों को मेवाड़ स्थित जहाजपुरा कस्बे में क्या कर दिया था बचा दिया था तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ क्या थी पहले ही तैयारी कर रखी थी इस कारण यहाँ पर क्रांतिकारियों को क्या थी सफलता नहीं मिली थी अब क्रांतिकारी क्या थे यहाँ से फिर वो टोंक पहुँचते हैं टोंक की जो नवाब होता है नवाब की सेना भी क्या करती है इनका स्वागत करती है और काफ़ी सारी सेना इनकी क्या होती है साथ में मिल जाती है और इस कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और इसके बाद विप्लवकारी रास्ते में क्या होता है कोटा जो कंटीनमेंट होता है उनके सैनिकों को भी क्या करते हैं अपने साथ चलने के लिए कोटा जो रेजिमेंट थी या जिसे कोटा कंटीनमेंट कहते हैं उसके जो साठ व्यक्ति थे उनको भी देवली सामने से अपने साथ मजबूर कर लेते हैं हालांकि ये नहीं जानते को मजबूरी के कैसे होते हैं लोग मजबूरी में इसको चलने के लिए बाध्य किया लेकिन बीच रास्ते से ये सैनिक बाखर निकल गए और कुछ दिनों बाद वापस कहाँ आगे देवली पहुंच गए यानी माडे का पाडा अपनी जो मारवाड़ी होता था वैसा इनके साथ किया तो वो कैसा नहीं हल करने वाले थे बीच रास्ते से वापस इनको अपने साथियों का साथ छोड़ करके वापस देवली आ गए थे और बाकी जो शेष सैनिक थे वो कहाँ पर पहुंच गए वो जो दिल्ली के अंदर का जो अपने साथी थे उनका मदद देने के लिए वहाँ दिल्ली पहुँच गए थे अब देखते हैं इनके आसपास की स्थिति अब देखो आसपास के अन्य स्थानों की स्थिति भी बड़ी विस्फोटक होती जा रही है जिसमें मालवा महू सलोवर इत्यादि स्थानों पर क्रांतिकारियों के आक्रमण निरंतर क्या होते रहे बढ़ते जा रहे थे और उदयपुर उदयपुर के स्थित जो खेरवाड़ा और सलोम्बर की स्थिति भी बड़ी नाजुक हो कैप्टन चावर्स के विचार था कि इन क्षेत्रों की रक्षा करना अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है तो इस तरीके से इस क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां के हो रही थी और इस गतिविधियों से अंग्रेज बड़े ही क्या हो रहे थे भयभीत हो रहे थे अब इस भयभीत होना भी अंग्रेजों का स्वाभाविक था क्योंकि वो विचार कर रहे थे फिर एक बार डर हो गया कि फिर ये सैनिक कहीं कहाँ नहीं पहुंचे अजमेर लेकिन ये सबसे बड़ी इस क्षेत्र में देखने योग्य बात ये थी कि एक बार फिर इनको रोकने का कोई प्रयास राजस्थान के एजीजी जो लॉरेंस थे उनके द्वारा नहीं किया गया जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स वो निरंतर क्या कर रहे थे इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे वो निरंतर इनके पीछे लगे हुए थे लेकिन ए जी जी ने क्या किया था इनको रोकने का क्या किया था प्रयास नहीं किया था अब बात है इसका जो दूसरा चरण है इस दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ेंगे कि वापस यहाँ पर दोबारा किस तरीके से जो विप्लव हुआ उस विप्लव की हम बात देखेंगे जैसे नसीराबाद के अंदर भी दो बार विप्लव हुआ था वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ था दो बार विप्लव हुआ था यानी अब जब सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए पीछे क्या था कंपनी की सरकार यानी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था नीमच के ऊपर पुनः वापस अधिकार कर लिया था और इस अधिकार के बाद यहाँ का नया एक जो जैक्सन है उसको भी सूचना मिली जो कंपनी का कमांडर था अधिकार होने के बाद दोबारा कि छावनी के जो भारतीय सैनिक वो दोबारा विद्रोह करने वाले ये जानकारी कब मिलती है 12 अगस्त अठारह को नीमच के द्वितीय कैवलरी के, के जो कमांडर था कर्नल जैक्सन उसको सूचना मिली कि से यहाँ के जो क्या करने वाले भारतीय जो सेना है वो विद्रोह करने वाली और उसकी योजना क्या है समझ से जो यूरोपीय अधिकारी है उनकी क्या करनी है हत्या करनी है। तो इसकी क्या कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद में क्या हुआ यहाँ फिर होती इसी कारण यूरोपीय सैनिकों को उसने बुला लिया किसने कर्नल जैक्स ने इसी घटना को लेकर उसने यहाँ पर क्या कर दिया यूरोपीय सैनिकों को बुला लिया इस घटना ने नियमच स्थित भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया उत्तेजित और प्रेरणारूप वहां पुनः क्रांति की ज्वालाएं धदकने लग गई थी है ना तो इसी धदकने के अंदर क्या हुआ था उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की क्या कर दी गई हत्या ये जो तिहासवीं रेजिमेंट का यूरोपीय अधिकारी था वो मारा गया और दो अधिकारी इसमें क्या हो गए घायल हो गए और जो लेफ्टिनेंट वहीलियर ले किसी यूरोपीय की बंदूक से क्या हो गया था घले घायल हो गया था और सैनिकों ने क्या किया था कर्नल जो जैक्सन का आदेश पालन करने से क्या कर दिया इनकार कर दिया है ना तो इस घटना से ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर बड़े घबरा गए थे है ना जो इसी कारण इनके बीच में आपस में ही झगड़ा हो जाता है यानी क्या होता है हस्तप्रस्त जब हो गए डर गए कितृवियुद्ध स्थिति के अंदर क्या था एक जो यूरोपीय थे उसकी बंदूक से ही दूसरा यूरोपीय अधिकारी और जो लेफ्टिनेंट अभी जो हमने देखा तो ये लेफ्टिनेंट वही लियर ये क्या हो जाता है इससे क्या हो जाता है घायल हो जाता है यहाँ पर ठीक है अब ये घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के बीच में आदेश दिए जाने के संबंध में भी वाद विवाद खड़े होंगे और अंत में निश्चय किया गया कि नीमच के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और अधिक संख्या के अंदर क्या किए जाएँ सैनिक बुलाए जाएँ ये सैनिक बुलाने का क्या किया गया निर्णय लिया गया फिर होता क्या है अंत के अंदर इसी बीच उदयपुर की सहायता से क्या कर लिया क्रांति को दबा दिया यानी मेवाड़ी सैनिक यहाँ पहुँच जाते हैं और उस सैनिकों की मदद से क्या किया सावनी में शांति स्थापित कर दी जाती है इस तरीके से ये थोड़े समय के लिए विद्रोह हुआ था इसको क्या कर दिया हालांकि अंग्रेज़ों ने सक्रियकर्ता के तुरंत ही दबा दिया जैसे नसीराबाद में किया वैसे यहाँ पर दबा दिया गया था तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया अपनी सूझबूझ और तुरंत ही कार्रवाई करके जो वापस से जो उपद्रव होने को क्या किया था उसको रोक दिया था तो ये थे उनके ठिकानों की किस तरीके से स्थिति थी कैसे व कहाँ कार्यक्रम हुए कैसे क्या कार्यक्रमों का संचालन किया कार्यों ने अंग्रेजों ने क्या कार्यक्रम स्थापित किए वो सारे देखे क्या घटनाएं थी घटनाओं को हमने इसमें देख लिया और अंग्रेजों की ऐसी सूझबूझ अगर भारतीय सैनिकों के अंदर या जो विद्रोही करने वाले लोगों के अंदर होती तो स्थिति भारतीयों की क्या थी बड़ी ही अलग होती